नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। पंचायत चुनाव बिहार में 11 चरणों में मतदान होने हैं। 2 चरण के मतदान खत्म हो चुके हैं, तीसरे चरण का मतदान 8 अक्टूबर को है जिसके लिए नामांकन चल रहा है। ऐसे में लखीसराय जिले में भी चुनाव है और लखीसराय जिले के सिरखिंडी पंचायत समिति पद के प्रत्याशी की बात कर ले अजय कुमार, उन्होंने दावा भी किया है कि उनकी जीत होगी और इसके लिए डीटीवी भारत के हमारे सहयोगी सरफराज आलम लखीसराय से संवाददाता, उन्होंने बातचीत की है। इस बातचीत में क्या कुछ कहा है अजय कुमार ने, सुनिए। पंचायत चुनाव के मद्देनजर अभी डीटीवी भारत की टीम लखीसराय जिले का, ये हलसी प्रखंड का सिरखिंडी पंचायत है और ये सिरखिंडी पंचायत का पंचायत समिति क्षेत्र पश्चिमी भाग है। यहाँ पर पंचायत समिति पश्चिमी भाग जो सिरखिंडी पंचायत का है उसके प्रबल दावेदार अजय कुमार जी मेरे साथ हैं और निवर्तमान में उप प्रमुख भी हैं। क्या अजय कुमार जी, 8 तारीख को वोट पड़ने वाला है, 10 को मतगणना होने वाली है, कैसा अनुभूति महसूस कर रहे हैं? ये तो आप ही बता सकते हैं, ये जो माहौल देख रहे हैं, 8 तारीख को जो मतदान होने वाला है और आप 3 दिन बचा है मतदान में और ये जो माहौल देख रहे हैं, माहौल से ही आपको पता चल गया होगा कि क्या किनके पक्ष में मत जाएगा। और हमें तो बता रहे हैं कि हमें पूरा जनता पे पूरी से पूरी तरीका हम आश्वस्त है कि चुनाव हर हाल में जो है 99% चुनाव हम जीत चुके हैं। हमें जनता पे पूर्ण रूप से भरोसा है और ये जो जनसैलाब है, ये जनसैलाब कहीं कोई मतलब वो अपने मत से जो है कि सब लोग हमारे साथ चल रहे हैं, सभी वर्ग के लोग हमारे साथ है, सभी गरीब गुरबा वंचित शोषित परिवार के लोग हमारे साथ रहते हैं। हम लोग तो एक बहुत छोटे परिवार से हैं तो बड़ा सपना तो हम लोग देख ही नहीं सकते हैं, चूँकि हम लोग के साथ बड़े लोग रहना पसंद ही नहीं करते हैं। इसी ले करके के हमें आश्वस्त है कि सभी वर्ग के लोग हमारे साथ चल रहे हैं। आइए, जो जन समर्थन है ये सिरखिंडी पंचायत के तमाम जनता का जन समर्थन है, ये हमारा नहीं बल्कि पूरे सिरखिंडी पंचायत के तमाम जनता का जन समर्थन ही जो जन सैलाब चल रहा है। अजय कुमार जी, आप ये बताइए कि हम, मैंने भी देखा है, डीटीवी ने भी देखा है कि इतना भारी हुजूम के साथ आपने जो सड़क पर अपने क्षेत्र में जो आप कुछ किए हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, आप पुनः एक बार आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि 8 तारीख के सुबह 4 बजे जाग कर हमारे जो गरीब गुरबा और शोषित वंचित के परिवार लोग जो हैं, सवेरे से उठ करके हमारे पक्ष में सब लोग एक एक घर जा कर करके अजय कुमार यादव की पक्ष में वोट मांगने और दिलाने के काम करेंगे। और हमें पूरा के पूरा भरोसा है कि सिरखिंडी पंचायत की तमाम जनता पे हमें भरोसा है कि अब हमारे पक्ष में सभी माता बहनों भाइयों बहनों दोस्तों सब लोग हमारे पक्ष में ही मतदान करेंगे। अजय कुमार जी, आप ये बताइए कि मैं पूर्व में भी आपसे ये सवाल कर चुका हूँ, पुनः उस सवाल को मैं दोहरा रहा हूँ कि आप जिस तरह से, मैंने देखा है जो एक भारी हुजूम जन सैलाब, ये मैं भी समझ रहा हूँ कि करीब करीब आपकी जीत सुनिश्चित है, ये ऐसा मेरा भी आकलन है, लेकिन क्या आप चुनाव जीतकर पंचायत समिति के पद पर आसीन होकर उप प्रमुख बनेंगे और सिरखिंडी पंचायत का जो ये इलाका है, क्या विकास की गति तेज होगी, रफ्तार पकड़ेगी? और पहली बात देखिए, 2016 में जो चुनाव हुआ था उसमें हमारा जो छाप था अंगूर छाप था, सभी लोग के इधर उधर होता है, लेकिन हमारा जो है कि फल होता है जो कि देवी देवता पे चढ़ता है। उस समय गर्मी के मौसम था इसलिए हमारा छाप अंगूर छाप था और आज जो है माता रानी का दिन आ गया है इसलिए हमारा छाप जो है नारियल छाप है और सभी लोग नारियल छाप। यहाँ पर बहुत सारे मतदाता भी हैं, उनसे भी कुछ जान लेते हैं। अच्छा, ये बताइए अजय कुमार जी को क्या जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, अपार स्नेह सेवा, दोबारा पंचायत समिति के सत पर पद पर मनोनीत होंगे, जीतेंगे चुनाव? सबसे पहले तो
आपके माध्यम से सिरखिंडी पंचायत के जितने भी जनता दबे कुचले हैं उनको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और साथ में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अजय यादव से पहले जो पंचायत समिति थे वो भी अपना कार्य किए, लेकिन अजय यादव जब से सिरखिंडी पंचायत के पंचायत समिति हुए तो गरीब का सम्मान, गरीब को मान, गरीब की दबे कुचले गरीब को आगे बढ़ाने की कोशिश किए और जितने भी हैं इनको आवाज़ उठाने की कोशिश किए। इसलिए सभी माता एवं बहनों एवं नौजवान साथियों से मैं अपील करना चाहता हूं, पुनः एक बार अजय यादव को नारियल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बना दें। रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा क्या मानना है आपका? बिल्कुल जीत रहे हैं, ये तो खुद ही देख रहे हैं आप, जनता हमारे साथ है, जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल जीत रहे हैं हम लोग। क्या अजय जी चुनाव जीत रहे हैं? जी जीत रहे हैं, जनता का इस तरह का भरोसा है कि जीत रहे हैं। क्या इधर देखिए हमारे साथ युवा वर्ग भी हैं, क्या युवाओं का साथ मिल रहा है, क्योंकि अजय कुमार भी एक युवा है। जी जीत रहे हैं, जीत रहे हैं अजय कुमार जी। अजय कुमार जी दोबारा पंचायत समिति के पद पर आसीन होकर उप प्रमुख पद को विराजमान होंगे? हमें तो पूरा विश्वास है कि पंचायत समिति भाग संख्या 4 से सिरखिंडी पंचायत की जितना भी जनता है एक एक गरीब व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को ही चुने हैं, इसलिए कि इन्होंने जब से अपने बल पे खड़ा हुए हैं, जब से गरीबों की लड़ाई लड़े हैं, और हमें विश्वास है कि सिरखिंडी पंचायत, तमाम सिरखिंडी पंचायत की जनता पे पूरा विश्वास है, और खुद हम लोग एक एक करके जनता के हर कामों में आगे बढ़ चढ़ कर अजय कुमार ने काम किया है, और हमें विश्वास है कि फिर से दोबारा अपने विश्वास के साथ अजय कुमार को विजय दिलवाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए अजय कुमार निवर्तमान उप प्रमुख हैं और पंचायत समिति सदस्य के प्रबल दावेदार हैं, वह पूरे हुजूम के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ अपने इलाके का भ्रमण कर रहे हैं, और उनके साथ नौजवानों बुजुर्गों का एक बहुत बड़ा जन सैलाब देखने को मिला, ऐसा लग रहा है कि जीत सिर्फ इनकी औपचारिकता ही बाकी रह गई है। सरफराज आलम, DTV भारत, सिरखिंडी, हलसी, लखीसराय।